Diporin is a potential rocket fuel which undergoes combustion according to the reaction. ये दी हुई है. फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ डाइपोरेन. अब देखिए ये डेल एच और हीट ऑफ रिएक्शन दी हुई है. हीट ऑफ रिएक्शन होती है जब भी कुछ दिया हुआ नहीं है. हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, इसकी हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ रिएक्शन एक ही है. इसकी हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन एक ही है. राइट गाइज, तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा. ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं इसको आप. सो ऐसे ही ये नाम चेंज होते रहते हैं. हीट ऑफ रिएक्शन वही की वही रही. अब देखिए कुल मिला के इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको. देखिए ये रिएक्शंस दी हुई हैं, इसका निकालना है. वही सेम ओल्ड अपना हैज लॉ यूज करना है इसमें. इन रिएक्शन को ऐसे अरेंज करना है ताकि मुझको ये मिल जाए. मैथ्स लगानी है कुल मिला के. अब देखिए मैं इसको अगर मैथ्स की तरह यूज करेंगे आप, तो आपको करना क्या है. अब देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को वन, इस रिएक्शन को टू, इस रिएक्शन को थ्री एंड इस रिएक्शन को फोर मान लूं, तो अगर आप इसको यूज करेंगे, रिएक्शन नंबर वन को ऐड कर दो डायरेक्ट थ्राइस ऑफ रिएक्शन नंबर टू, यानी नंबर टू में थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस थ्री टाइम्स रिएक्शन नंबर थ्री, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें थ्री एच टू हो, थ्री एच टू हो, ये थ्री इंटू 44 हो जाएगा, और माइनस कर दे रिएक्शन नंबर फोर को. समझ गए, तो आपका क्या आ जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आपको ये मिलेगा. देखिए पहला तीसरे को 3H2 3/2 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 3, सिमिलरली 3H2 3H2 और इसको माइनस कर दें, यानी उल्टा हो जाएगा ये. राइट, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस रिएक्शन को हटा के B2H6 2B प्लस 3H2 कर देता हूँ, यानी -36. राइट गाइज, सो अब इसको अगर आप ऐड कर देंगे ना, तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको कि 2B से आपका कैंसिल हो गया 2B. राइट गाइज, 3H2 से आपका कैंसिल हो गया 3H2. राइट गाइज, सो आपका 3/2 ये मिलके क्या हो गया 3O2, ये बन गया. राइट, ये 3H2O लिक्विड से ये कट गया. राइट गाइज, तो इधर क्या मिल गया है 3H2O गैस, और जो बचा कुछ आपका जो भी है वो प्लस B2O3 सॉलिड और इधर B2H6. राइट, तो आपको ये रिएक्शन मिल गई ऐसे. तो जब आप इस तरह से रिएक्शन करेंगे, तो अब ये वैल्यू भी ऐसे माइनस कर देंगे, यानी पहली क्या है -1273 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2, यानी 286, यानी 3 टाइम्स ऑफ -286 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3. राइट गाइज, माइनस -4 यानी 36. इसको जब आप पूरा ऐड गुना भाग करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका -2035 किलो जूल आ जाएगा पर मोल. ओके गाइस, तो ये सिंपल, इसको आपको ऐसे ही अरेंज करना है, ये फाइनल आंसर है आपका. आई होप गाइस आपको समझ में आ गया. सिंपल इक्वेशंस को अरेंज करिए और इसके अलावा कुछ नहीं किया.